की सीमाएं सुरक्षित हुई है, ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर की तिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन पर भारत का संविधान बना करके तैयार किया था। और भाइयों बहनों, संविधान दिवस के रूप में तो है ही, लेकिन याद करिए कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय आतंकवादियों ने आज ही के दिन पर देश पर सबसे बड़ा हमला मुंबई में किया था। एक कांग्रेस के समय में आतंकी हमले होते थे, आतंकी घुसपैठ होती थी। आज आतंकी हमला या घुसपैठ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मालूम है, आतंकवादियों को भी और उनके आंकड़ों को भी मालूम है, ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारत, यह छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देना जानता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षाएं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, और भाइयों बहनों एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, अनेक वेलफेयर की स्कीम। अभी यहां पे श्री के लक्ष्मण जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश ने 6 वर्ष में, भाइयों बहनों 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों के लिए एक एक प्रधानमंत्री आवास बन गया, 3 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, 1,75,00,000 गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंच गए, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। आपने देखा होगा सर्वाधिक पेपर लीक, युवाओं को नौकरी और रोजगार तेलंगाना सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 6 वर्ष में 6,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, लेकिन भाइयों बहनों तेलंगाना की सरकार इन नौकरियों को देने में विफल है। यहां पे तो तेलंगाना राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होने के कारण युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार मौन बनी हुई है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, भाइयों बहनों मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10,00,000 नौजवानों को नौकरी देंगे, 6,00,000 नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है, 4,00,000 लोगों को बहुत शीघ्र नौकरी मिलने वाली है, सभी लोगों को बिना भेदभाव के। मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के समय में नारा दिया जाता था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहती थी, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस के इन मंसूबों पर पानी फेरा। मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और परिणाम क्या रहा, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास के इस नारे ने आज देश में हर गरीब तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं,
ये नया भारत है, वैश्विक स्तर पर सम्मान है, तो सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, वेलफेयर की स्कीम भी बिना भेदभाव के और तबके के नागरिकों को प्राप्त हो रही है। तो भाइयों बहनों, आपकी आस्था का भी सम्मान है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? कांग्रेस कर पाती? और अब तो 22 जनवरी को 2024 22 जनवरी 2024 अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, पालामुरू से कितने राम भक्त अयोध्या आने के इच्छुक हैं? अयोध्या कितने लोग आना चाहते हैं? आप सभी अयोध्या आने के इच्छुक हैं ना? और मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब श्री एपी मिथुन रेड्डी को पालामुरू विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जिता करके भेजिए, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। और मैं बदले में श्री एपी जितेंद्र रेड्डी जी से और श्री एपी मिथुन रेड्डी जी से कहूंगा कि इन सभी राम भक्तों को लेकर के अयोध्या 22 जनवरी के बाद पधारे। अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में आपका अभिनंदन करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप अयोध्या के बाद आइए, अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसकी व्यवस्था हम लोग अयोध्या में करने की तैयारी करेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे यहां से आप भी अयोध्या की यात्रा पे आ सकेंगे। और इस दिन से मेरी आपसे अपील है, सीएपी मिथुन रेड्डी, श्री प्रशांत रेड्डी, श्री बंटू रमेश, श्री अंदे बपन्ना, श्री चित्रंजन दास, श्री जलंधर रेड्डी, श्री रतन पांड रेड्डी, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स हैं, इन सबको कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।